हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात से पहले मुंबई में तोकते ने मचाए हलचल। एयरपोर्ट वाली सीलिंग और मोनो रेल सेवा बंद। मुंबई में सवेरे से तेज बारिश, जगह जगह जल जमाव। चक्रवाती तोकते का असर अब मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े असर में दिख रहा है। इसके चलते मुंबई में सोमवार सवेरे से ही तेज बारिश हो रही है और आंधी भी चल रही है। यही नहीं, ये चक्रवाती लगातार तेज हो रहा है और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ सोमवार शाम तक इसके गुजरात पहुंचने की आशंका है। इस बीच मुंबई का एयरपोर्ट 3 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा मुंबई की मशहूर बांद्रा वाली सीलिंग पर भी वाहनों की मूवमेंट को रोक दिया गया है। फिलहाल दक्षिण और दक्षिण मुंबई में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चक्रवाती ने दस्तक दे दी है। तोकते की वजह से मुंबई की मोनो रेल के संचालन को भी दिन भर के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। IMD ने कहा है अगले 3 घंटों के दौरान रायगढ़, पालघर, मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी जिलों में अलग अलग स्थानों पर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ मध्यम से तीव्र बारिश होने की संभावना है। हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच निलंबित रहेगा। इसके अलावा मुंबई के प्रतिष्ठित बांद्रा वाली सीलिंग पर वाहनों की आवाजाही को चक्रवाती तूफान के आलोक में निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि तोकते एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदल चुका है और वर्तमान में मुंबई से 160 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में है। एहतियात के तौर पर मुंबई मोनोरेल ने एक दिन के लिए सभी परिचालन को स्थगित कर दिया है। बता दें कि तोकते चक्रवाती का असर शहर में दिखाई देने लगा है। सोमवार को शहर के मशहूर पर्यटन स्थल गेटवे ऑफ इंडिया पर भारी बारिश देखी गई। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।